पनीर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर ली है, बारीकी से कटी हुई प्याज, गर्म मसाला, टमाटो पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी, जीरा और लाल मिर्च और दही। तो सबसे पहले हम कटी हुई पनीर में आधे चम्मच गर्म पाउडर, आधे चम्मच जीरा पाउडर, आधे चम्मच मिर्च पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हम पैन में 2 चम्मच ऑयल लेके गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें पनीर को डाल लेंगे। अब हमारा पनीर फ्राई हो गई है। अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम 1 चम्मच बेसन को रोस्ट कर लेते हैं। बेसन अब रोस्ट हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम पैन गर्म कर लेते हैं और उसमें 5 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। हम इसमें जीरा और लाल मिर्च को डाल लेते हैं। अब हम इसमें प्याज को डाल लेते हैं और भून लेते हैं। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और थोड़ा भून लेते हैं। टमाटो प्यूरी को अब हम डाल लेते हैं। और 5 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और सारे सूखे मसाले जो हमने ली थी। अब हम इसमें रोस्ट की गई बेसन को डाल लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई की गई पनीर को डाल लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें दही डाल लेते हैं। इसको थोड़ा हम मिला लेते हैं। अब हम इसमें दही को ऐड कर लेते हैं और इसके साथ ही हम कस्तूरी मेथी डाल लेते हैं और गर्म मसाला भी डाल लेते हैं।
मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करके इसको 5-7 मिनट तक ढक लेते हैं। Thank you.